और उनको डिवाइड करना इजी होता है।
अब देखिए जब हम थाउजेंड की बात करेंगे तो डेसिमल अगर सपोज यहाँ पे है उसको तीन डिजिट हम पीछे ले जाएंगे तो देट विल बी 4.095। ठीक है जी, जब थाउजेंड से डिवाइड करेंगे उसके बाद देखिएगा जब आप सरफेस एरिया डिवाइड करेंगे ऑप्शन वही है टू एंड टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और विथ मल्टीप्लाई हाइट, इसको हमने अलग-अलग से मल्टीप्लाई किया हुआ है और जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे किया। देखिए जब आप 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो मतलब ये है कि आपने यू मल्टीप्लाई कर देना है कि जब 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 273। लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जी, दो डिजिट हैं तो हम यहाँ पे दो के बाद पॉइंट लगा दें। ठीक है ना जी, सिंपल हमारी मल्टीप्लीकेशन है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ये आपके पास आ रहा है, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई किया है 3.5 मल्टीप्लाई में 1.5 तो आपके पास क्या आ रहा है 585 आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे दो के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी हम दो के बाद डेसिमल लगा देंगे 5.85। क्लियर की बात है। इसी तरह बाकी हमने किया है, इन सबको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके,